जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज दिस एलसीडी डिस्प्लेस। एलसीडी डिस्प्ले क्यों यूज होंगे है और ऐसी की ये विच प्रॉपर्टीज है दैट दीज एलसीडी डिस्प्लेस दे हैव रिप्लेस्ड दैट सीआरटी डिस्प्ले। किस रीजन करके इन्हों ने सीआरटी डिस्प्ले रिप्लेस किया है, कोई ना कोई ऐसे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कोई ना कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक्स एलसीडी डिस्प्ले होंगे, दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ सीआरटी डिस्प्ले असी अज की डेट के एलसीडी डिस्प्ले यूज करते। सब तो पहला एलसीडी का फुल फॉर्म की है, एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हुण तुहाडे स्क्रीन ते सामने आ रहा है एक जर्नी है फ्रॉम सीआरटी टू एलसीडी। सीआरटी मोनीटर जो तुसी स्क्रीन ते देखोगे काफी बल्की मोनीटर है एज कंपेयर टू दैट सीआरटी मोनीटर। अगर तुसी एलसीडी मोनीटर नूं देखोगे एलसीडी मोनीटर इज नॉट ए बल्की मोनीटर, इट इज ए फ्लैट फ्लैट स्क्रीन मोनीटर। जो तक एलसीडी डिस्प्ले के कंटेक्ट विच गल कर रहे हैं, एलसीडी डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल, दीज आर काइंड ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, वेयर एज जो सीआरटी मोनीटर है वो फ्लैट पैनल मोनीटर नहीं है। सीआरटी मोनीटर्स आर नॉट फ्लैट पैनल मोनीटर्स, वेयर एज एलसीडी मोनीटर्स जो है दे आर फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी दे लिमिटेशंस यही सी, काफी हैवी सी, यूजेस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी और जड़ी वैक्यूम ट्यूब जड़ियां सीगियां वो काफी हीट डेसिपेट कर दिया सी, हीट छड़ दिया सीगियां और वो ज्यादा हीट छड़ दिया सी, उस करके एक जड़ी प्रॉब्लम ए भी आंदी सी दैट ह्यूमन हेल्थ ते बिकॉज सीआरटी मोनीटर्स ओदी लिमिटेशंस यही तुहाडे नाल गल कीती सी, वो सर्टन टाइप ऑफ रेडिएशंस छड्डदियां, हीट छड्डदियां, दैट इज नॉट एज गुड फॉर ह्यूमन। सो उहनां नूं रिप्लेस करन लई जिहड़ी एक टेक्नोलॉजी आई सी दैट इज दिस एलसीडी मोनीटर्स एलईडी मोनीटर्स एंड दीज मोनीटर्स दीज आर बीइंग कॉल्ड एज फ्लैट पैनल मोनीटर। एलसीडी के कंटेक्स्ट की लिखा आया है, फर्स्ट एलसीडी लैपटॉप मॉनिटर्स वर वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट नाउ दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ साइज। मतलब है कि जो तो पहली बार एलसीडी मॉनिटर्स बने हैं बहुत छोटे साइज के, लेकिन आज आज की डेट के अगर अभी एलसीडी मॉनिटर्स की गल करिए डिफरेंट साइज ऑफ एलसीडी मोनीटर्स अवेलेबल। लाइट वेट है, एनर्जी एफिशियंट है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीआरटी मोनीटर थे वो एनर्जी एफिशियंट नहीं सी। इस एनर्जी एफिशियंट का मतलब यह होता है दैट वो काफी पावर कंजम्पशन ज्यादा करते एज कंपेयर टू दीज एलसीडी मोनीटर्स और फ्लैट पैनल मोनीटर। असी किसी भी डिवाइस की गल करते हैं उसकी एनर्जी एफिशिएंसी देखना जरूरी है दैट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज गोइंग टू कंज्यूम। और अगर असी सीआरटी मोनीटर्स और एलसीडी मोनीटर्स दोनों नू कंपेयर करिए, सीआरटी मोनीटर्स हैवी इन साइज, एलसीडी मोनीटर्स they are light in size. CRT monitors, they consume lot amount of power. Power ka matlab electricity. Whereas LCD monitors, they consume less amount of power. And that is why this point is written that LCD monitors, they are energy efficient monitors.
अगेन उसी एलसीडी के कॉन्टेक्स्ट कॉल कर रहे हैं. एलसीडी इज ए थिन, मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, फ्लैट पैनल फ्लैट पैनल फ्लैट पैनल, क्योंकि जो सीआरटी मोनीटर सी वो कर्व्ड सी, सीआरटी मोनीटर कर्व्ड सी, एलसीडी मोनीटर दे विच कर्व्स नहीं होंदियां, दे आर फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस. एंड किस परपस लई यूज होंदे आ, यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट ग्राफिक्स इमेज. और एलसीडी मॉनिटर्स आर नॉर्मली यूज्ड, एलसीडीज आर नॉर्मली यूज्ड इन कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड गेमिंग डिवाइस. हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पॉइंट की लिखे है, एलसीडी मॉनिटर्स डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली. इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लो, एलसीडी मॉनिटर्स डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली. एलसीडी मॉनिटर्स डायरेक्टली लाइट नो एमिट नहीं करते. और पोलराइजेशन, कितना पोलराइजेशन है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करांगा. पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट. हॉरिजॉन्टली पोलराइज करते हैं, वर्टिकली पोलराइज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पोलराइजेशन टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इन एलसीडी मॉनिटर्स to display different kind of object. Question comes, why these LCD monitors are being used? See, LCD monitors kyun use karte? First point, small insight. LCDs occupy approximately 60% less space than CRT monitor. And this is a very important point. मैं अपने office desk से एक LCD monitor रख रहे हैं, एक CRT monitor रख रहे हैं. CRT monitors consume very less amount of space as compared. Sorry, LCD monitors consume very less amount of space as compared to CRT monitor. दूसरा point आता है, power consumption lower. LCD monitors consume half the power and emit less amount of heat than CRT displays. That means LCD monitors are energy efficient monitor. ऐसा मतलब यही है that LCD monitors, they are energy efficient monitors. क्यों? क्योंकि जिन्नी power तुहाडे CRT monitors consume करते हैं उहदे नालों half power तुहाडे LCD monitors consume करते हैं. इस करके LCD monitors are energy efficient. Question is इस type का भी बन सकता है that why LCD monitors are being called as energy efficient. इस करके है because LCD monitors consume half the power consumed by the CRT monitor, and that is why these LCD monitors they are energy efficient as compared to CRT. दूसरा पॉइंट की है, एलसीडी मॉनिटर्स एमिट लेस अमाउंट ऑफ हीट. हम ऐसी ऐसा नहीं कह सकते भी टोटल हीट नहीं जनरेट करते, दे डू जनरेट हीट, लेकिन इतनी हीट नहीं जनरेट करते जितनी कि एक सीआरटी मॉनिटर या एक पिक्चर ट्यूब जड़ी आने विच होंदियां सी वो जनरेट करते. थर्ड पॉइंट, दे आर लाइट इन वेट, हल्के है. CRT monitors space भी ज्यादा consume करते सी, power भी ज्यादा consume करते सी, heavy भी सी. अगर असी एक जगह तो लैके दूजे जगह से एक मोनीटर ले जाना होवे तो काफी हैवी मोनीटर नू सानू पिक करके ले जाना पैंदा सी. Whereas LCD monitors they weigh
अप्रोक्सीमेटली 70% लैस, मतलब जे असी गल करिए तीन थोड़े एलसीडी मोनीटर एक सीआरटी मोनीटर लगभग उन्हों का वेट सेम होगा, वेट भी ज्यादा उन्हों का, उन्होंने हीट एसीपेशन भी है, वो पावर भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो दैट इज वाई यह कुछ लिमिटेशन जड़ियाँ सीआरटी अवेलेबल सी, और उन्होंने लिमिटेशन ओवरकम करने instead of now say CRT monitors, now LCD monitors are being used. Ek aur important point ki hai, LCDs do not emit electromagnetic fields. Jad ki CRT monitors electromagnetic fields nu emit karde si. Therefore, these LCD monitors assi inna nu us area ch use kar sakde hain jithe assi CRT monitors nu nahi use kar sakde. Point hai ki matlab hai inna da, man lo kuch aise particular areas hai jis jagah te electromagnetic field generate karne wale devices nu assi nahi use karna, agar utthe nahi use karna to utthe CRT monitors use hi nahi ho sakde. Now, उन्हें CRT monitors नो replace करके उन्हें सी LCD monitors market आ गए हैं, तो these LCD monitors इन्हें नो असी उन्हें areas भी use कर सकते हैं जिन्ना area दे विच अगे CRT monitors नो असी use नहीं कर, ठीक है? Another important point is that LCD monitors की life longer है as compared to CRT monitors. कोई भी device है, चाहे तो सी mobile दी गल करो, चाहे टीवी की गल करो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गल करो, ईच एंड एवरी डिवाइस इट हैज गॉट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइफ. एलसीडी मॉनिटर की लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू सीआरटी मॉनिटर्स, एंड दैट इज व्हाई एलसीडी मॉनिटर्स आर मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सीआरटी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज construction and working of LCD monitor. LCD monitors kidda bane hoye hai, eh ek layered structure hai. Main jehdi ek aur cheez explain karan laga hai, LCD monitors di construction de vich, LCD monitors di construction ch different layers hai, aur unna layers jo tuhadi light kis way nal pass hundi hai, so that tuhanu text images, text and this graphical images dikh rahi hai, it is being the construction and working of LCD monitor. So the first point hai, LCD combination hai two states of matter, solid and liquid. Isda naam hi dass rahe hai, liquid crystal display. Ek liquid hai, crystal bhi hai, it's a combination of टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. जो तुम कैमिस्ट्री पढ़ी हुए, कैमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर असी कहने एक सॉलिड होंगे, एक लिक्विड होंगे, एंड थर्ड वन इज गैस. कैमिस्ट्री के कभी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हो, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे है, एक सॉलिड होंगे, एक लिक्विड होंगे, एक गैस होंगे. और एलसीडी मोनीटर्स इट इज द कॉम्बीनेशन ऑफ टू स्टेट्स ऑफ मैटर, पहली स्टेट हैगी सॉलिड, दूसरी स्टेट हैगी लिक्विड. सेकंड पॉइंट की कह रहे हैं, एलसीडी यूजेस ए लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस ए विजिबल इमेज. इट यूजेस ए लिक्विड क्रिस्टल, एलसीडी यूजेस ए लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस ए विजिबल इमेज. It is a display technique. This is a display technique in which liquid crystals are used in order to produce an image. Pehla point yahi keh rahe hai, the construction and working damage, that LCDs, they are a combination of two states of matter. One state is your solid, another state is your liquid.
सेकंड पॉइंट जेड़ा कह रहा है इट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस ए विजिबल इमेज। थर्ड पॉइंट कह रहा है एलसीडी डजंट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट। मैं तुम्हें पहला भी एक्सप्लेन किया था एलसीडी मॉनिटर्स लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एलसीडी मॉनिटर्स डजंट प्रोड्यूस लाइट। किस वे नाल ए स्क्रीन ते डिस्प्ले आते हैं वो डिफरेंट मेथड्स है रिफ्लेक्शन दे भी पोलराइजेशन दे भी, लेकिन एलसीडी मॉनिटर्स डजंट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट। ए मॉनिटर्स लाइट प्रोड्यूस नहीं कर, लेकिन कितना लाइट जनरेट होती है। हाउएवर इट अलाउज सम रीजंस टू अपीयर आइदर ब्राइट और डार्क बाय कंट्रोलिंग द लाइट एनर्जी एमिटेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। जिस तरह सीआरटी मॉनिटर्स दे विच एक सोर्स तो एक्सटर्नल सोर्स तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते थे, उससे वे नाल एलसीडी मॉनिटर्स अपने आप लाइट जनरेट नहीं करते, दे डोंट जनरेट लाइट। लेकिन वो की करते हैं अपने कुछ रीजन्स नू डार्क एंड लाइट किदा करते हैं, उसकी वैल्यू जीरो सेट करती, उसकी वैल्यू वन सेट करती। जिसकी वैल्यू वन सेट की है उसे लाइट आएगी, जिस वैल्यू जीरो सेट की उसे लाइट नहीं आएगी। किस वे ना इन्हों दे विच एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट होंदा है, उस लाइट सोर्स नू एलसीडी मॉनिटर्स कंट्रोल करते हैं। मैं इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एलसीडी मॉनिटर्स की अपनी लाइट नहीं होंदी, दे डोंट जनरेट लाइट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन एक एक्सटर्नल सोर्स तो जड़ी लाइट आंदी है उसके विच एक्सटर्नल सोर्स लग्या होंदा है, वो उस लाइट नू कंट्रोल करते हैं और वो कंट्रोल करके तुहाडी स्क्रीन ते डिस्प्ले करते। हाँ, उन्हें कंस्ट्रक्शन की है, मैं जो थोड़ी देर पहला तुहाडे नाल गल कर रहा सी लेयर से। एलसीडी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स विच इंक्लूड्स पोलराइज्ड पैनल फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रो। यदि कंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें हमने एक्सप्लेन करांगा, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे है दो पोलराइज्ड पैनल फिल्टर्स ते इलेक्ट्रो। दो पोलराइज्ड पैनल फिल्टर्स होंगे है एंड इलेक्ट्रोड्स होंगे है। मैं एक तुम्हें लेयर्स पहले एक्सप्लेन कर दा, लुक एट दिस वन। LCD screen consists of six major layers. पहली लेयर का नाम है vertical polarizers or polarizing film. Next layer का नाम है vertical grid lines or positive electrode. Third layer is your liquid crystal layer. फोर्थ लेयर का नाम है हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। फिफ्थ लेयर का नाम है हॉरिजेंटल पोलराइजर और सेकंड पोलराइजिंग फिल्म। एंड लास्ट लेयर का नाम है रिफ्लेक्टिव लेयर और मिरर और बैक। ये जो छह लेयर्स है, अगर इन्हें तुम लेयर्स नू देखो, पहली लेयर ते पंजवी लेयर, फर्स्ट लेयर एंड फिफ्थ लेयर। फर्स्ट लेयर इज योर वर्टिकल पोलराइजर, फिफ्थ लेयर इज योर हॉरिजेंटल पोलराइजर। फर्स्ट लेयर इज योर वर्टिकल पोलराइजर, फिफ्थ लेयर इज योर हॉरिजेंटल पोलराइजर। सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर नु देखो, सेकंड लेयर इज योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड and fourth layer is your negative electrode. And na chhe layer ande vichon char layers hi hai, pehli layer aur panjvi layer
ये दोनों पोलराइजर लेयर्स है. फर्स्ट लेयर इज योर वर्टिकल पोलराइजर, फिफ्थ लेयर इज योर हॉरिजेंटल पोलराइजर, सेकेंड लेयर इज योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फोर्थ लेयर इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड. चार लेयर आई ही होगी. ये तो थर्ड लेयर देखूंगे, इट इज लिक्विड क्रिस्टल लेयर, और लास्ट लेयर थोड़ी है रिफ्लेक्टिव लेयर और मिरर. परफेक्ट. कंस्ट्रक्शन दे विच मैं यही चीज कह रहे हैं दैट एदे विच पोलराइजर्स है एंड इलेक्ट्रोड्स है. हुण जे तुसीं इहदी डेफिनेशन जिहड़ी मैं कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं वो यही चीज कह रही है दैट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज कंपोज ऑफ several layers which includes two polarized panel filters and electrode. Polarized panel filters bhi hai, electrodes bhi hai. Ehi cheez main tuhanu construction de vich explain kiti hai that ede vich main ki cheez hai electrodes positive and negative, do tuhade polarized panel filters ede vich available. This combination of colored light with gray scale image of crystal forms the colored image. This combination of colored light with a gray scale, jadi black and white image hai, odi karke hi twadi colored image bandi hai. Aur us to baad this colored image is being displayed on the screen. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आर सुपर थिन टेक्नोलॉजीज जिहड़े अपने टीवीज दे विच, लैपटॉप दे विच, वीडियो गेम्स दे विच यूज होते हैं. मेन जिहड़ी चीज की है, ईच पिक्सल ऑफ एलसीडी, ईच पिक्सल, इस लाइन को ध्यान अंडरस्टैंड करना, नोट करना, ईच पिक्सल ऑफ एलसीडी, एलसीडी का हर पिक्सल कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स aligned between two transparent electrodes and two polarized filters. Positive and negative electrodes, the two horizontal and vertical filters, which whose axes are perpendicular. Horizontal, एक horizontal filter है, एक vertical filter है. अगर तुसी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फिल्टर नु देखोगे तो उन्हां दे एक्सेस आपस च हमेशा परपेंडिकुलर ही हुंदे है. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ए आपस दे विच 90 डिग्री दे एंगल बना रहे है, दैट इज वाई दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. ईच पिक्सल ऑफ एन एलसीडी कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलाइंड बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स. कैसे ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स है, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. टू पोलराइजिंग फिल्टर्स, एक तोड़ा हॉरिजॉन्टल है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपस दे विच जिथे जॉइन होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो आपस 90 डिग्री का एक एंगल बना रहे. और किस टाइप का थोड़ा लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन होएगी, दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द अलाइनमेंट ऑफ सरफेस. हुण मैं लेयर्स की जिहड़ी हुणे थोड़ी देर पहला गल कीती सी उही लेयर्स की गल कर रहे हैं. साडे को मैं फिर उही लेयर्स एक्सप्लेन करदा. लेयर नंबर वन वर्टिकल पोलराइजर, लेयर नंबर फाइव हॉरिजेंटल पोलराइजर, लेयर नंबर टू वर्टिकल ग्रिड लाइंस और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेयर नंबर फोर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस और नेगेटिव इलेक्ट्रोड. चार लेयर्स है दी हैं. थर्ड लेयर है थोड़ी लिक्विड क्रिस्टल लेयर और लास्ट लेयर इज योर रिफ्लेक्टिव. यदि डायग्राम देखनी है, दिस इज अ डायग्राम. इस जगह तो असी व्यू करते हैं थोड़ा जिस तो तुम्हें मोनीटर दिखता है. This is viewing direction. आ तुसी देखो, आ तुहाडा मोनीटर दिख रहा है.
सब तो पहला है वर्टिकल पोलराइजर दी। वर्टिकल पोलराइजर नो सी की कह रहे हैं पोलराइजिंग फिल्म। ओके दूसरा तो अड्डा जड़ी लेयर है दैट इज वर्टिकल ग्रिड वायर्स। वर्टिकल ग्रिड वायर्स नो सी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड करने हैं। थर्ड इज योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फोर्थ इज योर हॉरिजेंटल ग्रिड वायर्स इसको से नेगेटिव इलेक्ट्रोड करने हैं। फिफ्थ इज योर हॉरिजेंटल पोलराइजर इसनो सी करने हैं सेकंड पोलराइजिंग फिल्म। और लास्ट से विच जिसनो सी रिफ्लेक्टिव लेयर करने हैं दिस इज बीइंग कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव लेयर और मिरर और बैकलाइट। एतवडियां छह लेयर्स है और इसनो तुसी डायग्राम च भी देख सकते हो। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर सिक्स्थ लेयर और यह लेयर आपस च मर्ज हो जाती हैं। उन्हें सारी लेयर्स मर्ज करके तुहाडा एलसीडी डिस्प्ले बनता है। और केड़ी केड़ी डिफरेंट लेयर्स है वर्टिकल पोलराइजर वर्टिकल ग्रिड लाइन वायर्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस हॉरिजॉन्टल पोलराइजर एंड reflective layers. These are the different layers ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੀ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। और मेजर जो अस इस काम दसांगे मेजर जो कंस्ट्रक्शन की चीज है एलसीडी विच एक तो पोलराइजर एक इलेक्ट्रोड इस तो अलावा एक लास्ट लेयर है और एक तुहाडी थर्ड लेयर है जिहड़ी एलसीडी मोनीटर की कंस्ट्रक्शन दे विच यूज एंड अगेन मैं जिहड़ी मेजर एस्पेक्ट एलसीडी मोनीटर के कंटेक्स दे विच गल कर रहे हैं एलसीडी मोनीटर्स दे आर वाइडली यूज they are widely used because of the properties jehdi assi discuss kitiyan si because of the features jehdi assi discuss kite sige